हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमें प्लांट्स तो हम सबको बहुत ही पसंद होते हैं और प्लांट्स लगाना हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है। हम बहुत सारे इंडोर आउटडोर प्लांट्स फेंगशुई के लिए या होम डेकोर के लिए लगाते हैं, पर क्या आप जानते हो कि इनमें से कुछ प्लांट्स के हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। स्नेक प्लांट्स भी इनमें से एक ऐसा प्लांट है जो कि सुंदर तो दिखता ही है, साथ ही साथ ये एक एयर प्योरीफायर भी है। ये इंडोर एयर को फिल्टर करता है, नाइट टाइम में ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। इसकी इसी क्वालिटी के कारण हम इसे बेडरूम में भी बेडरूम डेकोर में यूज़ कर सकते हैं। ये एयरबॉर्न एलर्जीज को भी रिमूव करता है। और स्नेक प्लांट को हम सेंसेवेरिया के नाम से या मदर इन लॉ टंग के नाम से भी जानते हैं, और इसकी पत्तियों में काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है। इसको पानी भी बहुत कम मात्रा में चाहिए और आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हो, और ओवर वाटरिंग तो ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता। तो इसको आप इसकी कटिंग से भी लगा सकते हो, जैसे कि ये पत्तियाँ आपको दिख रही हैं, कहीं से भी कोई पत्ती काट के बिना रूट्स वाली भी आप किसी भी अच्छी मिट्टी में इसको लगा सकते हो। और ये जो प्लांट है इसको आप रूट से भी लगा सकते हो। इसमें छोटे छोटे जो पप्स निकलते हैं, जो साइड में आप देख रहे होंगे, इन पप्स को निकाल के आप किसी दूसरे प्लांटर में लगा सकते हो, किसी अच्छे प्लांटर में लगाओ तो ये इंडोर की शोभा को और भी बढ़ा देता है। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लांट है जो कि एयर प्योरीफायर है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और सर्दियों में तो इसको काफ़ी बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। सर्दियों में तो आप हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार भी पानी डालोगे तब भी ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ये बहुत ही बढ़िया प्लांट है, आप इसको अपने इंडोर में ज़रूर शामिल कीजिए, अपने बेडरूम में इसको ज़रूर शामिल कीजिए, किचन में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि किचन में काफ़ी ज़्यादा काम हम करते हैं, जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी धुएँदार हो जाता है। तो अगर इस तरह का प्लांट लगाया हो तो ये एयर को भी प्योरीफाई करता रहता है। तो देखिए, ये जो मेरा प्लांट है, प्लांटर है, इसमें से मैंने काफ़ी जगह पे प्लांट्स जो है काट काट के लगाए हैं, फिर से इनमें दोबारा से रीग्रोथ शुरू हो जाती है। मेरे घर में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं इसी स्नेक प्लांट के, मैंने जगह जगह लगा के रखे हुए हैं प्योरीफाइंग के लिए। तो ये देखिए कितनी अच्छी लीफ निकल रही है छोटी सी। अगर इसको सिरेमिक के किसी अच्छे प्लांटर में लगाया जाए तो इसकी सुंदरता तो और भी बढ़ जाती है। और इसकी जो पत्तियां हैं, जैसे कि आपको बताया कि ये जो टॉक्सिन है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इनकी जो पत्तियां हैं वो बच्चों की पहुंच से उनको दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी जहरीली होती हैं, पर इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे प्लांटर, ऐसे और भी कई प्लांटर हैं जो मैंने अपने घर में जगह जगह पे रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।